हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्रिकेट ज्ञान पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपने क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसे बल्लेबाज देखे होंगे जो मैदान पर चौके और छक्कों की बरसात कर देते हैं। इसमें क्रिस गेल, रोहित शर्मा, एबीडी विलियर्स, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन जैसे बल्लेबाज शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व क्रिकेट के उन टॉप 3 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने अपने पूरे वनडे क्रिकेट में एक भी छक्का नहीं लगाया। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से हैं ये टॉप 3 बल्लेबाज। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं जिम्बाब्वे के ओपनर बल्लेबाज डियोन इब्राहिम। दोस्तों, अगर बात की जाए जिम्बाब्वे के इस बल्लेबाज के बारे में, तो इस बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे के लिए 82 वनडे मैचों में 1443 रन बनाए थे। इस दौरान इस बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे के लिए 4 अर्धशतक और 1 शतक भी लगाया। लेकिन यह बल्लेबाज 82 वनडे पारियां खेलने के बावजूद भी वनडे क्रिकेट में एक भी छक्का नहीं लगा सका। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं श्रीलंकाई टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थिलन समरवीरा। दोस्तों, अगर बात की जाए श्रीलंकाई टीम के इस बल्लेबाज के बारे में, तो इस बल्लेबाज ने श्रीलंकाई टीम के लिए 53 वनडे मैचों में 862 रन बनाए। मजे की बात तो यह है कि इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के लिए वनडे क्रिकेट में 2 शतक भी लगाए। लेकिन श्रीलंकाई टीम का यह बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 53 पारियां खेलने के बाद भी एक भी छक्का नहीं लगा सका। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहले नंबर पर आते हैं भारतीय टीम के लिए लगभग 14 साल तक क्रिकेट खेल चुके मनोज प्रभाकर। दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय टीम के ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर के बारे में, तो इस बल्लेबाज ने भारतीय टीम की ओर से 130 वनडे मैच खेले। इस दौरान मनोज प्रभाकर ने भारतीय टीम के लिए 1858 रन भी बनाए। यही नहीं, मनोज प्रभाकर वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए 11 अर्धशतक और 2 शतक लगाने में भी सफल रहे। लेकिन भारतीय टीम का यह बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 130 पारियां खेलने के बाद भी एक भी छक्का नहीं लगा सका। दोस्तों, उम्मीद करता हूं दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।